अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमने सीखा था फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। हमने देखा था कि मैन जो है, एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद मैन फंक्शन, और जितने भी फंक्शंस हैं उनके साथ दो ब्रैकेट्स होते हैं। तो उसके बाद जो भी हम कोड लिखते हैं वो इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं। तो उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास कोड है वो हम इसके अंदर लिखते हैं, दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जो कल भी हमने देखा। तो सबसे पहला चीज हमने देखा था, हम लिखेंगे प्रिंट एफ हेलो। तो प्रिंट एफ हेलो जब मैं लिखूंगा, जो भी मैं टेक्स्ट चाहता हूँ स्क्रीन पे लिखना चाहे वो मैं लिख सकता हूँ इस हेलो के बदले। तो मैंने मुझे फिलहाल मैं चाहता हूँ कि हेलो लिखना स्क्रीन पे, तो मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो। तो उसके बाद हेलो लिखने से पहले मुझे स्क्रीन साफ करनी है, तो मैंने सी एल आर एस सी आर का इस्तेमाल किया, और प्रिंट आउट निकलने के बाद स्क्रीन रुकनी चाहिए ताकि मैं आउटपुट देख सकूं, तो इसलिए मैंने गेट सी एच का इस्तेमाल किया। उसके बाद मुझे क्या काम करना है, अब आज का हमें दूसरा प्रोग्राम देखना है, तो वो आप यहां पे देखेंगे हम। तो अब हमें देखने हैं वेरिएबल्स। अगर सपोज कर दो मुझे दो नंबर्स का ऐड करना है, तो दो नंबर्स के ऐड करने के लिए मुझे कितनी मेमोरी स्पेसेस चाहिए कंप्यूटर के अंदर? मुझे कंप्यूटर में तीन मेमोरी स्पेसेस चाहिए। सपोज कर दो मैं एक का नाम रखूंगा एक्स, दूसरे का नाम रखूंगा वाई, तीसरे का नाम रखूंगा जेड। अब ये एक्स वाई जेड जो है, मेमोरी स्पेस कितनी स्पेस मुझे लेनी है ये मुझे पता नहीं है। अगर मैं इसको नहीं बोलूंगा कंप्यूटर को, तो ये एक्स के लिए पूरी स्पेस लेगा। अगर मैं कंप्यूटर को बोलूंगा ही नहीं कि स्पेस ले लो, तो कोई और प्रोग्राम ये वाली स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, हम बाद में स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो पहले मुझे स्पेसेस लेनी है, स्पेसेस बंद रखनी है, ताकि कोई और प्रोग्राम इस स्पेस हमारी स्पेस को बंद ना रखे। तो पहले ही स्पेस बंद रखना, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। तो ये वाला पार्ट डिक्लेरेशन कहलाता है। तो एक्स वाई जेड तीन टाइप्स के वेरिएबल्स मैंने लिए, तो इनको मैं टर्मिनेटर डालता हूं। लेकिन ये मेमोरी स्पेसेस जो है कितने ज्यादा होने चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए? अगर मैं चाहूं तो फॉर एग्जाम्पल मैं इनको, अगर मुझे करेक्टर इसमें स्टोर रखना हो, तो मैं इसके आगे लिखूंगा सी एच ए आर, तो ये करेक्टर टाइप स्टोर रहेगा। तो अगर मैं चाहूं मैं इसको इंटीजर टाइप स्टोर रख सकता हूं, तो इसमें एक नंबर इंटीजर स्टोर रहेगा। वैसे ही मैं इसको चाहूं तो फ्लोट टाइप स्टोर लिख सकता हूं आगे। तो जितना मुझे वेरिएबल बड़ा चाहिए, उसी लिहाज से मुझे आगे इसको लिखना पड़ता है, इंट टाइप है, केयर टाइप है कि कुछ और है। तो मैंने इंटीजर टाइप लिखा, तो इंट मैंने लिखा सामने, क्योंकि मुझे तीनों टाइप इंटीजर चाहिए, क्योंकि मुझे एडिशन करना है दो नंबर्स का, तो नंबर्स तो इंटीजर टाइप्स होते हैं। तो इनके सामने मैं लिखूंगा इंट, इसके सामने भी मैं लिखूंगा इंट, और तीसरे के सामने भी मैं लिखूंगा इंट। तो मुझे तीनों जो है वो इंटीजर टाइप चाहिए, नंबर टाइप चाहिए। बाकी क्या क्या टाइप होते हैं, करेक्टर टाइप होते हैं, फ्लोट टाइप होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फिलहाल मुझे तीन नंबर चाहिए, इंटीजर्स चाहिए। तो मैंने इसको बोला कि इंटीजर चाहिए, क्यों? अगर मैं इंटीजर के बजाय लिखूंगा इसको करेक्टर, या मुझे फ्लोट लिखना था, मुझे अगर 3.5 स्टोर रखना है किसी वेरिएबल में, अगर मैंने उसको इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर दूंगा, अगर मैं उस वेरिएबल में बाद में 3.5 स्टोर कर दूंगा, उसमें 3.5 स्टोर नहीं रहेगा, उसमें खाली 3 स्टोर रहेगा, 0.5 जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर मेरे पास 2 लीटर का कोई कंटेनर है, उसमें मैंने 4 लीटर का पानी भरा, तो 2 लीटर उसमें से ओवरफ्लो हो जाएगा, जाया हो जाएगा, क्योंकि उसमें 4 लीटर तो नहीं आएगा, उसमें 2 ही लीटर आएंगे, वो 2 ही लीटर का कंटेनर है। तो बाकी 2 लीटर जो है वो जाया हो जाएगा, वो तो गिर जाएगा सारा पानी। क्योंकि फ्लोट टाइप जो है, फ्लोट टाइप में हम क्या काम करते हैं, फ्लोट टाइप में अगर मैंने 3.5 स्टोर कर दिया, वो 4 बाइट्स की स्पेस लेता है। इंटीजर जो है वो खाली 2 बाइट्स की स्पेस लेता है, और करेक्टर टाइप खाली 1 बाइट की स्पेस लेता है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे इंटीजर टाइप डिक्लेयर करने हैं, तो मैंने इंटीजर तीन मेमोरी स्पेसेस ले लिए। अब ये जो तीन मेमोरी स्पेसेस हैं, मुझे क्या करना है, मैं एक्स में कोई वैल्यू रखूंगा, तो मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू 5, तो हो गया एक नंबर। अब मैं वाई में कोई वैल्यू रख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा वाई इज इक्वल टू 8 सपोज। अब मुझे जेड कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक्स और वाई का सम करना है, तो उसके बाद जेड में कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एंड वाई। ठीक, तो अब मैंने यहां पे पहले डिक्लेरेशन कर दी, तो मैंने इंट एक्स लिखा, इंट वाई लिखा, इंट जेड लिखा, इस पार्ट को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। और मैंने एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 8 लिखा, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। और यहां पे ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब हम क्या काम कर देंगे, मैंने यहां पे टर्मिनेटर लिखा, अब मुझे स्क्रीन पे आउटपुट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो स्क्रीन पे प्रिंट आउट निकालने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, और उसके बाद यहां पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा और डबल कोट्स में सारी चीजें लिख दूंगा। अब
मुझे यहां पे लिखना है प्रिंट ऑफ सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू नॉर्मल टेक्स्ट है इसलिए मैं सम इज इक्वल टू सीधे लिखूंगा, सम डबल कोट्स के अंदर सम इज इक्वल टू, और उसके बाद अगर मैं यहीं पे लिखूंगा जेड तो ये जेड को भी नॉर्मल टेक्स्ट मानेगा। तो जब ये जेड को नॉर्मल टेक्स्ट मानेगा, तो अगर इसने जी को नॉर्मल टेक्स्ट माना तो यहां पे इसका डायरेक्टली प्रिंटआउट निकल जाएगा, लेकिन मुझे इसको नॉर्मल टेक्स्ट नहीं मानना है, ये जेड जो है ये वेरिएबल है इसीलिए मैं इसको बाहर लिखूंगा जेड, तब ये इसको वेरिएबल मानेगा। अब नॉर्मल टेक्स्ट और वेरिएबल के बीच में हम कॉमा लिखते हैं, तो उसके बाद इस टेक्स्ट में जिस जगह पे मुझे जेड का वैल्यू डालना है, फॉर एग्जाम्पल सम के आगे डालना हो या इज इक्वल टू के बाद में डालना हो, वहां पे हम लिखते हैं परसेंट एन डी मॉड जी, तो परसेंट इज रेफर टू इज मॉड, सो यहां पे हम मॉड डी लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या काम कर दिया, हमने यहां पे पहले तीन चीजों को इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, ये जो तीन चीजें हैं इसको मैंने यहां पे बोला, इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन। और दूसरा चीज नीचे, तो ये तीन चीजें डिक्लेरेशन कहलाती है, इंट एक्स इंट वाई एंड इंट जेड, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड वाई इज इक्वल टू एट, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। तो डिक्लेरेशन भी आ गया और असाइनमेंट भी आ गया, उसके बाद हमने इसकी कैलकुलेशन की, उसके बाद मैंने स्क्रीन पे निकाला इसका आउटपुट, यानी कि सम इज इक्वल टू, फाइनली मुझे स्क्रीन पे एक ही चीज दिखाई दिया, सम इज इक्वल टू और जेड का वैल्यू, यानी कि 8 प्लस 5 जितना होगा 13, तो वो निकल जाएगा। तो ये था वेरिएबल, जो वेरिएबल्स का इस्तेमाल। अब हम देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 5 मैंने लिखा, इसको हम असाइनमेंट क्यों बोलेंगे, चलो वो बात तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा, क्या मैं 5 इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं, अगर मैंने जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा, क्या मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिख सकता हूं। सपोज कर दो मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्रोग्राम के बाहर में लिख रहा हूं, तो मैंने अगर यहां पर या इस जगह पर मैं लिख दूंगा, अगर मैंने सपोज कर दो इधर लिख दिया x इज इक्वल टू 5, क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं 5 इज इक्वल टू x, हम नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू x प्लस वाई, क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू z, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, ये वैलिड तरीका है, ये इनवैलिड है, ये वैलिड तरीका है और ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि इज इक्वल टू जो आप यहां पे देखते हो इक्वल साइन, ये इक्वल साइन एक्स इज इक्वल टू 5 डज नॉट मीन एक्स इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 जब आप लिखते हो इट मींस एक्स इज इक्वल टू साइन को हम यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर मुझे लिखना होगा एक्स इज इक्वल टू 5, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना होगा इफ एक्स इज इक्वल टू 5, देन आई हैव टू राइट एक्स डबल इक्वल टू 5, दिस इज द रियल इक्वल साइन। और जो हम इक्वल सिंपल इक्वल लिखते हैं, इस सिंपल इक्वल को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो मैंने इज इक्वल टू साइन यहां पे लिखा, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है ट्रांसफर करना वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इसका काम है ट्रांसफर करना वैल्यू। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये ट्रांसफर करेगा वैल्यू, यहां पे मैं लिखूंगा इट ट्रांसफर्स वैल्यू, ट्रांसफर्स वैल्यू फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ट्रांसफर करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 5 हो जाएगा ट्रांसफर टू एक्स और स्टोर रहेगा एक्स में। उसी तरीके से अगर यहां पे एक्स ट्रांसफर हो जाएगा 5 में, तो 5 तो स्टोर कर ही नहीं सकता क्योंकि 5 खुद एक वैल्यू है। तो एक्स जो है, एक्स एक मेमोरी स्पेस का नाम है, जो मेमोरी स्पेसेस के नेम्स होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो 5 जो है, 5 एक कॉन्स्टेंट है, वो अभी हम देखेंगे वेरिएबल्स किसको हम बोलेंगे। सो उसी तरीके से ट्रांसफर अगर मैं कर दूंगा एक्स से 5 में, तो वो तो नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक्स और प्लस का मैं सम कर दूं, एक्स और प्लस वाई कर दूंगा, तो इसका सम जो हो जाएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, रहेगा जेड में। तो ट्रांसफर जो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन यहां पे ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, जेड इज इक्वल टू, तो जेड कहां से ट्रांसफर हो जाएगा एक्स और वाई में, तो या तो एक्स में या तो वाई में, तो यहां पे इसके लिए प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो x इज इक्वल टू वाई है आप उल्टा नहीं लिख सकते हो, z इज इक्वल एक्स प्लस वाई है वो आप उल्टा नहीं लिख सकते हो। अब नेक्स्ट यहां पे जो पॉइंट है वो है वेरिएबल्स, हमने किस चीज को बोला, वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आर द स्पेसेस, मेमोरी स्पेसेस। तो वेरिएबल्स आप मेमोरी स्पेसेस को भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स,
फॉर स्टोरिंग एनी वैल्यू। ठीक, तो अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर रखना है, कुछ भी स्टोर रखना है, तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल्स हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिएबल्स होते हैं मेमोरी स्पेसेस या नेम्स ऑफ मेमोरी स्पेसेस, मेमोरी स्पेसेस का नाम होता है, या ये कंटेनर्स होते हैं जिन कंटेनर्स के अंदर हम कोई वैल्यू रखते हैं। जो वैल्यू में इसमें मैं रखूंगा उसको हम बोलते हैं, जो मैं वैल्यू इसमें रखूंगा उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, और जिसमें ये स्टोर रहेंगे, जिस मेमोरी स्पेस में रहेंगे स्टोर, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ द मेमोरी स्पेसेस व्हिच स्टोर्स सिंपली कॉन्स्टेंट्स।